कहेंगे इसमें बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, if the compound statement made by the connecting word if and only if the compound statement made by the connecting word if and only, ठीक है, then it is known as biconditional statement. Biconditional statement. मान लीजिए represented as, और इसी को अगर represent करने का P और Q दो component statement है, तो if and only को कैसे लिखते हैं, ठीक है, इफ ऑन लास्ट वाले में क्या पढ़ा था, लास्ट में ये पढ़ा था पी इंप्लाइज क्यू हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल मतलब दोनों तरह साइन ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, या फिर पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी जैसा साइन बन रहा हो, ठीक है, ये बाई कंडीशनल का साइन। पहले पढ़ा था इसको इफ पी देन क्यू, ये क्या है, इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, दोनों का एंड लेना मतलब, हाँ दोनों का एंड लेना है, किसका ये किसके बराबर होता है, इसको अगर मैं लिखूं तो इसको आप इसके बराबर कह सकते हो, if p then q and if q then p, मतलब p q को इंप्लाइज करता है and q p को इंप्लाइज करता है, इन दोनों का एंड ही है। अगर ट्रुथ टेबल से बात करोगे P Q, P if and only Q, देखिए इनकी वैल्यूज पहले लिखते दिखा, दोनों ट्रू है या फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स है, या फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू है, और दोनों फॉल्स है, ये ट्रू होता है जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होती है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होता है, दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तो ये ट्रू होता है, एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स होता है। क्यू इफ एंड ओनली पी में भी हो, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो यहां पे ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। लिखें This is true if and only, ये true कब होता है, जब दोनों की truth value same हो, component statement की truth value same होगी तो ये true होगा। अगर वेन डायग्राम में बनाओगे आप तो ये बनेगा, देखिए P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम था, जब दोनों ट्रू हैं ये पार्ट, या दोनों के आउटसाइड दोनों फॉल्स, ये वाला पार्ट,
ठीक है, ये डायग्राम में अगर आप ट्रुथ इससे जाओगे वेन डायग्राम से, तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है। बाकी ट्रुथ टेबल से जाएंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। और इसी का अगर निगेशन लिखना हो, निगेशन आप बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, तो किसका निगेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं? निगेशन आप P इफ एंड ओनली Q, इसका निगेशन क्या होगा? दैट इज निगेशन आप इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, देखो अभी जो बताया इसको इसके बराबर प्रूव करना, तो आप प्रूव भी कर सकते हो। इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू लिखो, देखो क्या लिखते हो, ये क्या लिखते हो, ट्रू, यहाँ ट्रू ट्रू, ये फॉल्स, जब फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स होगा बाकी समय ट्रू। ऐसे ही इफ क्यू देन पी लिखना हो तो कहाँ ये ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स आएगा बाकी सब ट्रू आएगा। एंड कब लगता है, एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, देख लो वही लिखा है। उसे भी कर सकते हो, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये सही है, अब चेक कर सकते हैं वेन डायग्राम से इससे। अच्छा, इसका निगेशन, इसका निगेशन लास्ट क्लास में बताया था, कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन, ए एंड बी का निगेशन लिखना हो तो इसके लिए डी मॉर्गन्स लॉ बताया था ना, उसको यूज करेंगे। और इफ पी देन पी, इफ पी देन क्यू का निगेशन क्या होता है बताओ, याद करिए भाई सर, P एंड नेगेशन Q, याद तो करना पड़ेगा आपको ना पॉइंट्स, क्या होता है P एंड नॉट नेगेशन, P एंड नेगेशन ऑफ Q, और ये जो एंड होता है वो और में कन्वर्ट हो जाता है सर Q, फिर इसका नेगेशन लिखते हैं, इसका नेगेशन क्या हुआ, Q Q एंड नॉट P, Q एंड नॉट P, नोट कर लीजिए। लीक से हटके थोड़ा चैप्टर है, जो जनरल आप एलजेब्रा पढ़ते हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, कैलकुलस पढ़ते हैं, हम लोग के लिए भी अलग है, लेकिन है अब चैप्टर ये तो आपको करना है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा चैप्टर है, इसको कर सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के साथ। अच्छा, और इससे मतलब स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी एंड फॉल्सी। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल एक्सेट्रा से कह सकते हैं, इसमें थ्योरी वाइज टॉटोलॉजी एंड फॉल्स। इफ ट्रूथ वैल्यू वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, अगर ट्रूथ वैल्यू एक स्टेटमेंट की हमेशा ट्रू, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट और एनी ट्रूथ वैल्यूज आर इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड अ टॉटोलॉजी। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी क्या होता है,
एक कंपाउंड स्टेटमेंट अगर है तो उसके सभी कंपोनेंट स्टेटमेंट में कोई भी ट्रूथ वैल्यू ले रहा हो, लेकिन उसका जो ट्रूथ वैल्यू आ रही है वो हमेशा क्या आ रही है, ट्रू आ रही है. तो दैट इज नोन एज ट्रूथ. एंड इफ इट कम्स फॉल्स, हमेशा फॉल्स है तो वो क्या होगा, फॉल्स ही, आर ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन. एंड इफ इट इज ऑलवेज फॉल्स, then it is called, then it is called falsy or contradiction. ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, falsy or contradiction. फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखे मैं पी और निगेशन ऑफ पी, पी और निगेशन ऑफ पी क्या है, इसे टोटल वाले, इसे टोटल वाले. कैसे बना के देखें, पी है निगेशन ऑफ पी, पी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. पी ट्रू होगा तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स, फॉल्स होगा तो निगेशन ऑफ पी ट्रू. और लेते हैं तो क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, दोनों ट्रू है तब भी ट्रू है, दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है, ये हमेशा ट्रू आ रहा है. अगर आप इससे देखेंगे वेन डायग्राम से, ये पी है और इसके आउटसाइड वाला है निगेशन पी, और मतलब दोनों का यूनियन, तो दोनों का यूनियन मतलब ये भी लोगे और ये भी लोगे, तो कंप्लीट रेक्टेंगल पूरा आ जाए, तो टोटोलॉजी, टोटोलॉजी को टी से रिप्रेजेंट किया यहां पे मैंने. और यही पी एंड निगेशन पी देखें तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, P and not P, मतलब P में और बाहर वाले में कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं. अब इससे देखो जहां पे I आ जाए, नल सेट आ जाए, अगर आप वेन डायग्राम से देख रहे हो और इससे देख रहे हो तो एंड में बात करो तो एंड ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू, एक भी फॉल्स हो गए तो फॉल्स रहो. नोट करिए, ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हैं, क्वेश्चंस इस पे करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको देखते हैं हम लोग. एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, इसे फर्स्ट वन है आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या होता है, अगर सेम स्टेटमेंट के साथ आप और लेते हैं, पी आर पी क्या होगा, पी होगा, जैसे ए यूनियन ए क्या होगा, ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए, ए और ए में कॉमन लोगे तो ए आएगा, ए और ए का ही यूनियन लोगे तो ए आएगा, तो वैसे ही पी और पी करोगे तो पी आएगा. देखो ई फिर से लिखो टी और करेंगे तो क्या रहेगा, तुरंत ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है, फॉल्स ही रहेगा. ठीक है, ऐसे वेन डायग्राम देख लो, पी बना लिया, दूसरा भी पी है, वही है पी, इंटरसेक्शन लो तब भी कंप्लीट आएगा, तो इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ. सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, सेट में अप्लाई करता है ना, जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, पी और क्यू और आर लिखा है, क्यू और आर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हो,
पहले क्यू और आर का यूनियन लिया फिर पी के साथ दिया, या पहले पी और क्यू का यूनियन लिया फिर आर के साथ दिया, सेम है पी और क्यू और आर। ऐसे एंड में पी एंड क्यू एंड आर, मतलब क्यू और आर का इंटरसेक्शन लीजिए फिर पी के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, या पहले पी क्यू का इंटरसेक्शन ले लीजिए फिर आर के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, वैल्यू सेम ही आएगी। इनको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो पी आर क्यू आर, कोई भी दो का आप ले रहे हो ऐसे ही इसको भी ले सकते हैं, क्यू एंड आर। पी और आर भी ले सकते हो, ले सकते हो क्योंकि आर ही तो करना है ना तीनों, एंड में सर एंड में भी कर सकते हो, इंटरसेक्शन ही है कोई दिक्कत नहीं, और ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं। क्यों क्यों दिक्कत नहीं, क्योंकि क्यू एंड आर क्या होता है आर एंड क्यू ही तो होता है, हो गया ए एंड बी, बी एंड ए ही था था ना, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ, ये जो आप बोल रहे हो ना वही कम्यूटेटिव लॉ है, फर्स्ट पी एंड क्यू जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दैट इज इक्वल टू क्यू एंड पी, आर पी आर क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी, और एंड कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, इफ एंड ओनली इफ भी फॉलो करता है, इफ पी देन क्यू फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब तो सिंपल ही है और पहले भी आज का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले नहीं था तो उस पर ध्यान दें एक अलग से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, पी एंड क्यू और आर आ जाए तो इसे आप ऐसे कहते हो पी एंड क्यू और पी एंड, देखें सेट में भी ऐसा लगा ए एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बीच में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ये यहां पे पी एंड क्यू और बीच में आ जाएगा पी एंड आर, पी और क्यू एंड आर लिखा हो तो होगा पी और क्यू एंड बीच में आ जाएगा पी और, ऐसा मिलेगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। फिर आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लेट पी बी स्टेटमेंट, पी बी अ टॉटोलॉजी, C B contradiction, देखिए identity law क्या होता है, P का T के साथ अगर union ले तो क्या आएगा आप बताओ, देखिए P और T क्या आएगा, T आएगा T आएगा T union, union मतलब ये T है पूरा, T तो ये पूरा है और इस P के साथ यूनियन लोगे तो भी पूरा रहेगा, कॉमन लेंगे तो P एंड T, तो P तो इसी का पार्ट है ना, कॉमन मतलब P आ जाएगा, P R C, C मतलब ना सेट, एक तरह से वन सेट के साथ यूनियन लिया आपने तो क्या आएगा यूनियन P आएगा, यूनियन ले रहा कॉमन लोगे तो नल सेट आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन एक तरह से आप नल सेट से समझ सकते हो और टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट से समझ सकते हो, पूरा आ जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट यहां लिख लें कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट वर्ड हम यूज करते हैं निगेशन वगैरह, इसमें है अगर आप निगेशन आप टोटोलॉजी लोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो, निगेशन आप कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो टोटोलॉजी होगी, अगर ट्रू का निगेशन फॉल्स हो जाएगा, जो हमेशा ट्रू है वो हमेशा फॉल्स हो जाएगा जैसे निगेशन लोगे, जो हमेशा फॉल्स है वो हमेशा ट्रू हो जाएगा,
और इसी में ये भी लिखा है पी और निगेशन आप पी लोगे तो टोटलॉजी आएगा, एंड पी एंड निगेशन आप पी लोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, जो भी पढ़ा था हमने एग्जाम्पल में टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन के वही है। कोई डाउट है यहां बताएं, दो और चैप्टर ये कंप्लीट है, एक और लास्ट टॉपिक बचेगा स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस पर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन का क्या है, निगेशन ऑफ पी ये तो हम पढ़ चुके हैं, मेन इसमें नहीं पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं पढ़ा था, और ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन देखा आपने। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ भी हम लोग पहले देख चुके हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, फर्स्ट निगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिखा है तो क्या हुआ, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, और ऐसे निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। डॉक्टर जी अरे बाइनोमियल के टेस्ट में कितने आए, 50। चलो अब तो पहले मार्क्स से बेटर है, वैसे इस बार सभी के अच्छा किया है, सब लोग समझे हैं इसलिए बाट से लो दिखाओ मुझको एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वाले देना। चलो इससे देखते हैं क्वेश्चंस बहुत ही हल्के हैं स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में, तो पहले एक्सरसाइज अच्छा 5-6 स्टैटिस्टिक्स की है, 7-8 है रीजनिंग की, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो 7th का पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, पेज नंबर 36 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन दिए कि कौन सा स्टेटमेंट है या नहीं, कौन सा स्टेटमेंट है या नहीं है आपको बताया था। सेंटेंस स्टेटमेंट कब होता है, जब वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अब ये देखिए पहला क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, कौन सा नहीं है केवल सेंटेंस है। पहला है एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, देखो ये लिखा ना एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, क्या होगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होगा ना फॉल्स है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। 8 इज लेस देन 6 फॉल्स स्टेटमेंट है। वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं, ठीक है। अब सेकंड लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट, मे यू लिव लॉन्ग, दिस इज ठीक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हुर्रा वी हैव वन द मैच, अभी चल रहा है वैसे तो, लेकिन पहले ही आप डिक्लेयर कर दिए वी हैव वन द मैच, तो क्या हो गया ये भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया ना, ये सभी सेंटेंस है स्टेटमेंट नहीं है। द सन इज अ स्टार, ठीक है ये एक स्टेटमेंट है। तो ऐसे देखिए सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो ये करके आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 7 ही ये होमवर्क रहेगी। एक्सरसाइज 10 में देखें तो एक्सरसाइज 10 में भी आया है ऐसे कि स्टेटमेंट बस आपको बताना है, लेकिन वैसे कम आते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है एक्सरसाइज 8 का, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, यही है ना क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 8। Yes, sir. Yes, sir. क्या है द निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, देखिए बताइए इसका निगेशन, इफ आई बिकम अ टीचर, इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल, ठीक है। तो बचपन में मैं जब रास्ते से जा रहा था तो देखा कुछ गरीब बच्चों को इधर उधर घूमते हुए फिरते हुए, ठीक है भीख मांगते हुए, तो मैंने देखा सोचा कि जब मैं टीचर बन जाऊंगा
तो मैं एक ओपन करूंगा स्कूल, बन गया लेकिन टीचर, लेकिन ओपन नहीं, कोचिंग खोल ली, बताइए क्या होगा? ये निगेशन इसका क्या होगा? ये पी है और ये क्या है? क्यू। तो क्या होता है निगेशन? ये पी देन क्यू का, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, क्या लिखोगे? तो ऐसे स्टेटमेंट वाले भी, और ये भाई ओरिजिनल क्वेश्चन है जब एक ही टेस्ट होता था। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ये कर लो फर्स्ट क्वेश्चन। इसको तो ये एट था, फर्स्ट करो AI-AAA 2008 वाला। द स्टेटमेंट पी, इफ पी देन, इफ क्यू देन पी इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर है? फोर ऑप्शंस है, नहीं से फर्स्ट सभी लोग बना के देखें। चर्सी सी ही आंसर है। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन सर, आज भी टेस्ट में आया था ये। आज भी टेस्ट में आया था, कोई बात नहीं, आप देखिए अगर कर लिए थे पहले ही तो अच्छी बात है। यस सर। और नहीं कर पाए थे तो सीख गए हैं, तो अच्छी बात है कि आगे जो आएंगे उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इसमें है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। देखो हम बहुत ज्यादा पढ़ा तो पढ़े नहीं टॉपिक, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते रहेंगे, क्वेश्चंस भी रिपीट होते रहेंगे, खासतौर से इस टॉपिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100-200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और इतने में आपका एक क्वेश्चन लगभग पक्का है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है अगर आप ठीक से करते हैं। देखो अब वेन डायग्राम से भी बनाओगे तो वो ज्यादा आपको लगेगा ना, इसको ट्रुथ टेबल से बना लो। इफ पी देन क्यू का वेन डायग्राम थोड़ा सा टफर है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा, बनाना होगा। देखते हैं यहाँ पी क्यू एक आएगा, इफ क्यू देन पी, फिर इफ पी देन, इफ क्यू देन पी, पहले इसका बना लेते हैं ट्रुथ टेबल। पी ट्रू है तो क्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स है तो क्यू भी ट्रू और फॉल्स हो सकता है। If Q then P में क्या होता है? फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, तो फॉल्स होता है, बाकी सभी केसेस में ट्रू है कि नहीं? अब फिर देखिए If P then Q में जब सेकेंड फॉल्स हो और फर्स्ट ट्रू हो तो उस समय ये फॉल्स होता है, लेकिन उस समय फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू हो सेकेंड फॉल्स हो ऐसा कोई केस नहीं है, तो मतलब ये हमेशा ट्रू है, मतलब ये क्या है टॉटोलॉजी। अब इनमें से कौन सा टॉटोलॉजी है ये आपको चेक करना पड़ेगा। सर ऑप्शन से जाएंगे तो सर बहुत ज्यादा बन जाएगा, देखना ही पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन ठीक है, डन है एक क्वेश्चन, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी स्पीड हो जाएगी आपकी। अब
अब सी है ऑप्शन सही आपका, हो गया। मैं सी चेक करके दिखा रहा हूँ, पी और क्यू। पी और क्यू में क्या है, और में क्या होता है, जब एक भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है, ये सभी ये ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। अब क्या है, एक पी देन पी आर क्यू है, जब सेकेंड फॉल्स होगा और फर्स्ट ट्रू हो उसी समय, लेकिन फर्स्ट उस समय ट्रू नहीं फॉल्स है, बाकी देखिए तो ये हमेशा क्या हुआ ट्रू हुआ, लेकिन दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम हुई तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, और मेंस का एग्जाम है तो एक से ज्यादा सही होंगे, और होंगे तो बोनस मिल जाएगा, ठीक है, या आपका भी आंसर सही माना जाएगा, आप एक भी आंसर निकाल लिए खत्म, आगे नहीं देखना, ए ऑप्शन आ गया तो ए चले गए, बी आ गया तो बी आ गए, ए बी सी ठीक से करोगे तो बाकी नहीं चेक करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर बाकी भी चेक करो, रैंडम चेक करिए, कोई रैंडम चेक किए एक और वो आगे आंसर तो दूसरा मत चेक करो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई कि मैंने जो बनाया है सही बनाया, बेसिक ठीक रखो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन बना, एक और इधर दूसरी तरफ से ले रहा हूं, प्रूव दैट पी आर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज अ टॉटोलॉजी। Prove that P or negation of P and Q is a tautology. Sir, हो गया। Venn diagram से भी बना सकते हो, या देखो अभी कुछ बताया था आपको उससे बनाएंगे डी मॉर्गन साहब का, डी मॉर्गन से ऐसे बना सकते पी और निगेशन, इसको क्या लिखो निगेशन ऑफ पी और बन जाएगा निगेशन ऑफ क्यू। और एक चीज आपको बताई थी कि ये पी और क्यू आर और लिखा हो तो इन दोनों में पहले ले सकते हो, इसको ऐसे ले सकते हो पी आर निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू एसोसिएटिव रहो, और पी और निगेशन ऑफ पी क्या बताया आपको टॉटोलॉजी होता है, टॉटोलॉजी और निगेशन ऑफ क्यू, और टोटोलॉजी का किसी भी स्टेटमेंट तक और लोगे यूनियन लोगे तो क्या आएगा टोटोलॉजी आएगा, ये भी बताया टोटोलॉजी ऐसे बना सकते हो, मतलब कोई इसकी जरूरत हर क्वेश्चन में नहीं है, अगर आप ध्यान से बनाओ तो ऐसे बन जाए, इससे बनाओ पी क्यू एंड मतलब ये निगेशन मतलब इसके बाहर सार आ गए, ये इंटरसेक्शन वाला छोड़ दो बाकी सब, ये है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसका यूनियन लेना है किसके साथ एक साथ, मतलब ये तो आएगा ही पी का भी सारा आएगा, तो पी का सारा आएगा तो ये भी आ गया पूरा, तो कंप्लीट सेट आ गया, तो मतलब टोटोलॉजी वो आप देखो जिस से भी कंफर्टेबल हो उसको उससे बना सकते हो, वैसे कोशिश करो कि तीनों चीजें समझ में आए, जो जिससे आसान लगेगा जो क्वेश्चन उसको उस तरीके से कर लेंगे, जो वेन डायग्राम से आसान लग रहा है उसको वेन डायग्राम से बना लेंगे, जो इससे बन रहा है रूल से उसको रूल से बना लेंगे, ठीक है। ये पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल, फर्स्ट ऑप्शन है पी एंड क्यू, सेकेंड है पी और क्यू, थर्ड है टोटोलॉजी, फोर्थ है कॉन्ट्राडिक्शन। डी कौन सा डी यस सर,
देखो अगर मुझे वेन डायग्राम से बनाना हो पी एंड नॉट क्यू का क्या मतलब, पी तो हो लेकिन उसमें क्यू ना हो, ये पी इसके अंदर क्यू नहीं है, ये वाला पार्ट है पी एंड नॉट क्यू, क्लियर। और क्यू एंड नॉट पी कौन सा पार्ट, क्यू के अंदर लेकिन पी के बाहर, ये वाला पार्ट है क्यू एंड नॉट पी, ठीक है। इन दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, तो नल सेट, नल सेट मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो लिखेंगे। सर इसमें डी मॉर्गन का लॉ नहीं लगा, डी मॉर्गन निगेशन कहां पूछा है, इसको आगे वाले इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करके दिखाइए सर, कैसे थोड़ा थोड़ी करके दिखाएं। अच्छा पी एंड नॉट क्यू क्या था, पी देन क्यू, पी एंड नॉट क्यू, कुछ तो होगा सर, नेगेशन पी देन क्यू, नेगेशन पी देन क्यू, नेगेशन आएगा, नेगेशन आएगा, नेगेशन कॉमन लेने से वो काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है, और आ रहा है ना, ठीक है, फिर बैठ नहीं पाया, मैं आगे तक मैंने सोच लिया है लेकिन वो बैठ नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा फोड़ी में आगे फंस रहे हैं, मतलब फिर वापस इसी पे आओगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपका होगा फिर तो यही घूम गया है। तो देखो जहां हो पाएगा वहां बताएंगे भाई, और भी मेथड्स हो सकता है इसमें भी आ जाए, और सोचना पड़े, अभी जो मैंने तुरंत सोचा उसमें आगे के स्टेप भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अगला देखो, if p then not p and if not p then p is first p है, second है negation p, third है tautology, fourth है contradiction, बनाइए बना बना के डी डी, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है, सही है सर, यस सर डी, कैसे बनाएंगे मास्टर, हाँ सर कॉन्ट्राडिक्शन है सर, कैसे, ट्रूथ टेबल से सर, ट्रूथ टेबल से, हाँ अब देखो बिना ट्रूथ टेबल के, इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, क्या होता है, P if and only Q, यही तो है, इसी को तो ऐसे लिखते हैं, देखो Q की जगह क्या लिखा, negation P, negation P, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर है, P if and only negation of P, P if and only negation of P, if and only if में क्या होता है, जब दोनों के truth value सेम हो तो true होता है, लेकिन ये अगर true हुआ तो ये false हो जाएगा, ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम नहीं होगी, अपोजिट होंगी तो इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, समझ रहे हैं, ऐसे ऑब्जर्व करके मैंने उसको थोड़ा सा देखा कि ये तो वही फॉर्मूला बन रहा है, तो वो देखिए जितनी ऑब्जर्वेशन बेटर होंगी उतना ही आप मैथड्स और देख सकते हैं, बाकी ट्रुथ टेबल स्टार्टिंग से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप डीपीपी 7 और 8 ये दो हैं, या एक्सरसाइज 7 और 8, एक्सरसाइज 7 8 में से एक्सरसाइज 7 कीजिएगा, और फिर हम लोग स्टेटिस्टिक्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कोई भी डाउट है इसमें तो और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है।